और डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। हम लोगों ने आज सीबीएसई सैंपल पेपर, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर है, उसके क्वेश्चंस पिक किए हैं सॉल्यूशन के लिए। और हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक में सीबीएसई सैंपल पेपर जो लेटेस्ट है उसमें 9 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली 4 मार्क्स क्वेश्चन है ना, ये रॉन्गली मेंशन हो गया 2 मार्क्स, एक्चुअली इट इज 4 मार्क्स। सो ये 4 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं और 1 मार्क्स क्वेश्चन और भी है इसमें एक साथ में, लेकिन इस 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हमने 1 मार्क्स की कैटेगरी में ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए हमने इस कैटेगरी में उसको इंक्लूड नहीं किया है। सो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को बिलोंग करता है। ओके, हमारा ये क्वेश्चन जो है ये पैरामीट्रिक का सेकंड ऑर्डर है। सो दिस इज अवर पैरामीट्रिक, द थर्ड वन इज सेकंड ऑर्डर। ओके, ये हमारा सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। सो डी फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं, सो ये तो डेफिनेटली है कि 6 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन 100% आएगा उसमें से। दूसरा क्या है कि हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, सेकेंड ऑर्डर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 1 में y इक्वल टू x पावर साइन x प्लस में है साइन x पावर x। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारे लिए यूजफुल होगा। हम लोगों को पता है e टू पावर log x x होता है, यानी x के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ना x की जगह पर x पावर x लिखिए तो क्या हो जाएगा, e टू पावर log x टू पावर x ना। और ओके, x टू पावर x को फिर क्या लिख सकते हैं, e x log x, राइट। तो कभी भी कौन सा क्वेश्चन जिसमें फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन दिया हुआ है सो वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस। ओके, दिस द फर्स्ट थिंग। द सेकंड वन, जब आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन जैसे हमने डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को, सो एक्चुअली हम लोग आंसर लिखते हैं कॉस एक्स ना, लेकिन एक्चुअली सिर्फ कॉस एक्स नहीं होता, वो कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, क्योंकि साइन का डायरेक्टली हमने लिख दिया कॉस, और ये डी बाई डी एक्स हम यहाँ लिख रहे हैं। हम इन दोनों टेक्निक को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइटली। कैसे, सी पहले तो हम ई के फॉर्म में लिखते हैं, सो इट इज ई न लॉग एक्स टू पावर साइन एक्स प्लस साइन ई लॉग एक्स टू पावर एक्स। ओके, ये स्टेप ठीक है। आइए लॉग एम पावर एन, यानी एक फॉर्मूला और हमने यूज किया, क्या यूज किया करने जा रहे हैं, लॉग एम पावर एन जो है वो एन लॉग एम के इक्वल होता है। सो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ई टू पावर साइन एक्स लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन ई टू पावर एक्स लॉग एक्स। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब हम एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सी नाउ द फर्स्ट वन, वाई को हमने लिख दिया डी वाई डी एक्स। अब देखिए ई का, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ई, ई का डिफरेंशिएशन ई ही होता है, सो ई साइन एक्स लॉग एक्स। साथ में क्या करेंगे, हम डी वाई डी एक्स लिखेंगे, और एक्स नहीं है, एक्स की जगह पर साइन एक्स लॉग एक्स, यानी इससे अगेन ये है ना एक्स। सो हमने एक्स लिख दिया बाय यूजिंग दिस टेक्निक, ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। सो नाउ अगेन साइन का डेरिवेटिव कॉस, साथ में ई टू पावर एक्स लॉग एक्स, साथ में क्या करना हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स लॉग एक्स। नाउ अगेन हियर, अब ये जो टर्म है ई टू पावर, ये किसकी जगह पर है, इसकी जगह ना, ये ना, और ये इसकी जगह लिखा गया था, और ये इसकी जगह लिखा गया था, दैट मीन दे आर द सेम थिंग। यानी इसको हम ऐसे साइन यहाँ जाएगा और ई लॉग को कैंसिल करेंगे, इसको हम एक्स टू पावर साइन एक्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द प्रोडक्ट टूल। हियर वी हैव फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सो नाउ द प्रोडक्ट रूल,
first function sin x, log square derivative 1 by x. And again plus sin square derivative cos x और साथ में log x. ये complete हो गया. आइए अब हम इस part पे आते हैं. Now, इस part में again cos, ये हमारा क्या था, x power x है ना. हमने x power x को ये लिखा, उसकी जगह ये लिखा है और ये सेम है ना, तो रिप्लेस कर लिया हमने. अब हम यहाँ गेन e का डेरिवेटिव e टू पावर x log x, ओके e टू पावर सिंपली x log x. एंड नाउ गेन क्या करेंगे हम, अब x log x को डिफरेंशिएट करेंगे ना, x log x. सो फर्स्ट फंक्शन ए द डेरिवेटिव देन प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1 कैंसिल हो गया. एक बार फाइनल आंसर लिख देते हैं हम लोग x, क्योंकि नाउ अब हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नहीं बचा है. 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स अगेन लॉग एक्स सी अगेन. इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको पहले लिख रहे हैं ओके ई टू पावर एक्स लॉग एक्स को दैट इज एक्स पावर एक्स अगेन इट इज कॉस एक्स पावर एक्स एंड हियर वी हैव 1 प्लस लॉग एक्स विच इज द डेरिवेटिव. सो ये हमारा इस क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन था. सो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, दिस इज द वे टू डिफ्रेंशिएट इट. ओके आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन जो और पार्ट है, बल्कि है ना, दैट इज अवर और पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमारे क्वेश्चन का और पार्ट, इसमें क्या करना है, हमें y है log 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t टू पावर 4 और x है tan इनवर्स t. सो ये y एक्चुअली ये है क्या, क्या हम इसको t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, और इन रिटर्न इट इज 2 log t स्क्वायर प्लस 1. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि फंक्शन t का है तो t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy by dt, राइट. log log को डिफरेंशिएट करते हैं कैसे, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x ना. हाँ एक चीज और है, बिफोर यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग ये 2 को यहाँ की जगह यहाँ लिख दीजिए, नहीं log m पावर n के फॉर्मूले से तो क्या होगा, ये 2 तो कांस्टेंट है. अब log का डिफरेंशिएशन सिंपली t स्क्वायर प्लस 1 आएगा. अब t स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2t, ठीक है. ये हमने लिखा ही है ना 2 log t स्क्वायर प्लस 1, सबने बेकार में यहाँ रिपीट कर दिया. ओके सो हियर इट इज, ये डिफरेंशिएट हो गया. ऐसे ही अगर x को डिफरेंशिएट करेंगे dx by dt, सो अगेन दैट इज 1 ओवर t स्क्वायर. ओके सो ये हो गया डिफरेंशिएशन. अब नाउ व्हाट इज डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स जो है हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी होता है, राइट. सो डी वाई डी टी क्या है, वो 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर. इसको 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे सो रिजल्ट विल बी 4t. ओके वंस मोर डिफरेंशिएट करना है हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस, सी ये हमारा t का फंक्शन है और हम डिफरेंशिएट x से कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन t का है, डिफरेंशिएट x से हो रहा है, तो पहले तो t से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमने x की जगह पर t से डिफरेंशिएट किया है, तो साथ में dt by dx लिखेंगे. एंड what इज dt by dx, दैट्स द reciprocal, सो 4 1 प्लस t स्क्वायर विच इज द आंसर. ओके सो ये द सेकंड डेरिवेटिव जो है गिवन क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव. आइए एक क्वेश्चन और रह जाता है और सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वाई कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स है, इट इज वाई एम कॉस, इट इज एम कॉस, वेयर इज एम, एम हमारा ब्रैकेट के अंदर है, नॉट आउटसाइड इट ना, सो एम हटाते हैं, एम cos inverse x. Okay, let us start differentiating. So, differentiating with respect to x. M to constant, m nahi, sorry, cos ka derivative minus ka sin m cos inverse x. So, ab kya bach jayega? dy dx of m cos inverse x. Right? So, minus ye raha sin m cos inverse x. Okay, m to constant hai, bahar le jaate hain. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके इसको इधर ले आते हैं,
ये इट स्टिक ऑन दिस साइड. अगर हम इसको इधर लेके आएंगे क्या बन जाएगा, ये जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. ओके यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एम साइन एम कॉस इनवर्स एक्स. अब यहां से क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन करने के मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं. सो देयर मे बी सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. आप चाहे तो यहीं से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है ना. यहां से क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं. सी हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग. ये रहा फर्स्ट फंक्शन और हमने सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया, राइट. सो प्लस, ओके प्लस. अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट ना. हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2. क्या होगा, 1/2 माइनस 1, सो माइनस हाफ हो जाएगा एंड देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x. ओके साथ में हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी हियर एम साइन का रिलेटिव कॉस एम कॉस इनवर्स एक्स. क्योंकि हम ऑलरेडी इसको डिफरेंशिएट करने में हमने ये स्टेप अप्लाई किया है तो एम कॉस इनवर्स एक्स डेरिवेटिव एम माइनस 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल. सो अगेन वी हैव माइनस एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर एंड दिस वन इज वाई. टेक इन दिस साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, पहले लिखेंगे माइनस का एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0. और लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ आंसर इज दिस, हमारा आंसर क्या है. हमने बिना आंसर देखे किया ना, सो इट सेम वन ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 विच इज सेम एज द आंसर. डियर फ्रेंड, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए एक चीज ध्यान रखना, हमने देखिए इसमें क्या स्टेप यूज किया, हमने इसको पहले शिफ्ट कर लिया तब डिफरेंशिएट किया. कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, इस क्वेश्चन के करने का तरीका क्या होता है, एक बार देर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन जिसमें डी वाई डी एक्स निकालिए और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर दोनों कैलकुलेट करिए, राइट, और उसको पुट कर दीजिए एंड देन सिंप्लीफाई. देन क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है. दिस मे बी वन ऑफ द मेथड, ये एक मेथड हो सकता है कि जस्ट फाइंड आउट डी वाई डी एक्स डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एंड पुट इट एंड सिंप्लीफाई. सो कुछ क्वेश्चन तो इस टेक्निक से सॉल्व नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन हमारे इस टेक्निक से सॉल्व होते हैं कि जहां हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से टर्म को शिफ्ट करते हैं और बाद में वैल्यू पुट करते हैं वाई, ये वाई से इसको रिप्लेस कर लेते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमने सीबीएसई सैम्पल पेपर जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उसके डिफरेंशिएशन टॉपिक के क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व किया है. सो जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.